जय अम्बे मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। ये है MI नोट 11 और जो पूरी तरीके से डिस्प्ले डैमेज है। MOLED डिस्प्ले है, पूरी ब्लू हो चुकी है। अब कैसा हुआ है वो भी दिखा देते हैं, बराबर आया वो दिखाते हैं। प्रॉब्लम क्या है और क्यों बदलना जा रहे हैं। डिस्प्ले का कनेक्टर और हमने पावर डिस्कनेक्ट किया, ये पावर ऑन किया और हम इसमें आप देख सकते हो ये जो डिस्प्ले की हालत है इस टाइप की है। MOLED है तो इस हिसाब से जैसे कि फिर से एक बार दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हो कैसी हालत है इसकी। अब इसे हम रिमूव करते हैं डिस्प्ले को। ये सबसे पहले अब क्लीन दिखेगा, थोड़ा सा सूखा। अब आप देख सकते हो कि हमें इसको भी चेंज करना है। सबसे पहले पावर डिस्कनेक्ट करना होता है इसको, डिस्प्ले कनेक्टर निकालना होता है, उसके बाद स्पीकर की जाली को ध्यान से देखना स्टार्ट। सबसे पहले कोई भी डिस्प्ले अगर रिमूव करना हो तो सबसे पहले नीचे से रिमूव करना होता है। ओके, आराम से, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। डिस्प्ले को अच्छी तरीके से रिमूव करना होगा, ना कि डैमेज करते हुए रिमूव करना है। आप देख सकते हो हमने बड़ी तरीके से, बढ़िया से, अच्छी तरीके से इस डिस्प्ले को आराम से रिमूव कर लिया है और बिना डैमेज किए। आप देख सकते हो MOLED जो हमने आपको अभी जस्ट 2 मिनट पहले दिखाया था, वो यहाँ पानी लगने की वजह से धीरे धीरे डैमेज होता गया है। यहाँ देख सकते हो यहाँ हल्का सा पानी लगा है तब ये डैमेज हुआ है। और डिस्प्ले इसको फेंक नहीं देना है, इसका रीज़न है कि ये जो स्पीकर की जाली होती है ये भी इसके साथ निकल आती है, तो आपको ध्यान देना है स्पीकर की जाली को आराम से निकालना है बिना डैमेज किए। स्पीकर की जाली याद रखना हमेशा के लिए। और जो डिस्प्ले है हमने निकाल दिया है, ओके, देखने जा रहे हैं, देख लिया, उसके बाद वो अनयूज हो गया है। अब हम जो नया डिस्प्ले लगाने जा रहे हैं वो भी आपको दिखा देंगे कि इसका जो नया डिस्प्ले है उसकी कंडीशन किस टाइप की आएगी, किस टाइप का कंडीशन होगा जो डिस्प्ले होगा जो हमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि हर बार बताते हैं कि जो भी होता है अगर नया डिस्प्ले लगा हुआ होगा तो इसमें जो गम होगा उसको रिमूव करना होता है। थोड़ा का होगा ना निकलेगा, उसको रिमूव करोगे तभी नया गम एंटर करना है। देख सकते हो आप यहाँ पानी लगा है, ये पानी लगने के कारण ही आपका डिस्प्ले जो भी डैमेज हुआ ये पानी के कारण हुआ है। देखिए ये वाटर डैमेज है, ओके, देख सकते हो यहाँ ये वाटर डैमेज है, इसके कारण ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अगर ये वाटर डैमेज नहीं होता तो ये भी डिस्प्ले ख़राब नहीं होती, इसलिए इसे हम अच्छे से साफ करेंगे कि दोबारा सेम सिचुएशन नहीं आए। साफ़ सफाई अच्छे से करना होता है, यहाँ कोई गम बम लगा नहीं हो ये सब ध्यान देना है। यहाँ भी सेम कंडीशन है कि हमें जो भी होता है ओके, इस तरीके से हमने पूरी तरीके से इसको रिमूव कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हो हम अगर पहले ही गम लगा लेते हैं तो पन्नी निकालने में उसमें हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए क्या होता है कि जो गम हम लगाए होते हैं वो तुरंत सूख जाता है और डिस्प्ले की जैसी फिनिशिंग आनी चाहिए थी वैसी फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सब पन्नी वगैरह सब हटा लेना चाहिए, डिस्प्ले को बेल्ट को अपनी जगह सेटअप कर लेना चाहिए
और ये सब काम पटने के बाद ही आपको डिस्प्ले का गम लगाना चाहिए। अगर हम पहले ही डिस्प्ले का गम वगैरह लगा देंगे तो उसमें दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें में ऐसा होता है कि जो गम सूख जाएगा वो जैसे फिटिंग फिनिशिंग आनी चाहिए वैसी फिटिंग में फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्प्ले लगाने के पहले डिस्प्ले को कम्प्लीटली तैयार कीजिए। अगर आपकी डिस्प्ले तैयार नहीं है तो गम मत लगाइए, क्योंकि गम तुरंत सूख जाता है और जैसे चाहिए वैसा फिटिंग नहीं होता है। और हर बार बोलते हैं कि नीचे के भाग में गम का जो प्रमाण होता है वो ना के बराबर होना चाहिए, बराबर। इसी हिसाब से हम लोग हर बार बोलते रहते हैं कि गम का जो प्रमाण है वो कम रखिए, ज़्यादा नहीं रखना है, ज़्यादा रखोगे तो दिक्कतें आएगी। उस हिसाब से अगर ज़्यादा बाई चांस रुक जाता भी है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का रीज़न क्या है, अगर ज़्यादा गम होगा निकालने में परेशानी होगी और लगाने में भी परेशानी होगी, इसलिए हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा हल्का हल्का गम रिमूव कर देना होता है और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा गम लगा है उसको भी निकाल देना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ हमारे से ज़्यादा गम लग चुका है, तो हमने क्या किया उसको हल्के से रिमूव कर लिया, वो जहाँ नहीं लगा होगा उसको एंटर कर दिया। ओके, गम सूखने के पहले हमें डिस्प्ले इंस्टॉल करना होगा और उसके पहले क्या करना होगा, जो स्पीकर की जाली होती है उसको अच्छे से अपनी जगह सेटअप करना होगा। स्पीकर की जाली अगर आप नहीं लगाते हो तो जो फिनिशिंग आनी है वो नहीं आएगी, अच्छे से काम नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें जाली लगानी ज़रूरी है। जाली नहीं लगाओगे तो अच्छे से फिटिंग नहीं होगा और जाली लगा देते तो फिटिंग नहीं होगा, इसलिए जाली ज़रूरत की चीज़ है। जाली लगाना ही मेन होता है, जाली नहीं लगाओगे तो आपका काम सही से नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हो हमने इस डिस्प्ले को इंस्टॉल कर दिया और जो स्पीकर की जाली होती है उसको भी अच्छे से बिठा दिया। स्पीकर की जाली को हमेशा ऊपर ही रखना होगा, अगर स्पीकर की जाली अगर दब जाती है स्पीकर में आवाज़ ना के बराबर, इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा स्पीकर की जाली का सेटअप करना होगा। अगर अच्छे से सेटअप नहीं होता है तो उसे छोड़ देना होगा। सेटअप डर गया, देख रहे हो हमने डिस्प्ले इंस्टॉल कर दिया है अच्छे से और स्पीकर की जो जाली होती है उसको भी लगा दिया है। अब लगाने की बारी है डिस्प्ले कनेक्टर की, उसको भी अपने सेटिंग में जाके बराबर कनेक्टर को इंस्टॉल करना है और अच्छे से फिटिंग करना है। इसको भी इंस्टॉल कर दिया है कनेक्टर की भी, इसको भी, और कैमरे को अपनी जगह सेटअप करना होता है उसको भी अपनी जगह सेटअप कर दिया है, ना कि कैमरा ऊपर नीचे हो जाए, अपनी जगह अच्छे से बैठ जाए। और चार्जिंग का बेल्ट का कनेक्टर, बैटरी का बेल्ट का कनेक्टर लगा दिया है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं इसे ऑन, ऑन करके देखते हैं और कोई प्रॉब्लम या समस्या तो नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है मोबाइल और पूरे तरीके से फिटिंग करना अभी बाकी है, इसलिए हम जब तक वो पूरे ऑन हो जाता है तब तक हम इसको पूरी तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं, उतना समय बचेगा और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने ये जो फिंगर का बेल्ट है इसको अच्छे से इंस्टॉल करना होगा और नीचे ध्यान देना है कोई नट बोल्ट वगैरह तो नहीं है, बराबर। ये फिंगर का बेल्ट सबसे मेन होता है। फिंगर का बेल्ट अगर हम चालू में लगा रहे हैं तो समझ लीजिए फिंगर वर्क नहीं करेगा, लेकिन एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करोगे तो फिंगर वर्क करने लग जाएगा, बराबर। ये सब खासियत होती है, हर किसी को नहीं बतानी। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरीके से हमने डिस्प्ले को इंस्टॉल कर दिया है,
और अच्छे से फिटिंग भी हो गया मोस्टली, हर तरीके से कंप्लीट की फिटिंग हो गई। जैसे कि आप देख रहे हो, जो कैमरे का लेंस होता है उसको बार बार हाथ या सेफ्टी से लगाना नहीं होता है। अगर हाथ लगाओगे तो लेंस ख़राब हो जाता है, ये हर वीडियो में हम बताते हैं। जो कैमरे का लेंस होता है उसको सावधानीपूर्वक काम करना होता है, उसमें हाथ बिल्कुल टच नहीं करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो अगर नया आदमी होगा तो ऐसे फिटिंग करेगा तो उसमें क्या होता है, जो अंदरूनी जैसे ये नट होगा, ये मदरबोर्ड को पकड़ के रखता है, ये मदरबोर्ड को अगर इसलिए पकड़ के रखता है बाई चांस अगर गिरने से कैमरे का लेंस अगर बाहर आ जाता है तो मदरबोर्ड डैमेज नहीं होता। इसलिए कंपनी ने ये सिस्टम दिया है कि ये नट इसलिए अंदर से मारा गया है कि कन्वर्टर निकालने के बाद भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो, अगर कन्वर्टर नहीं लगाओगे तो यूज़ में नहीं होगा। आप देख सकते हो ये करने के बाद भी हमें इस चीज़ को इंस्टॉल ऐसे करना होगा, जब तक कैमरा अपनी जगह सेटअप नहीं हो गया तब तक यहाँ लॉक में नहीं बैठेगा, और लॉक नहीं बैठेगा तो यहाँ नट अच्छे से नहीं लग पाएगा। इसीलिए लॉक में बैठाना तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, कब आएगी, फिटिंग में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी नट किधर भी मारते हो तो प्रॉब्लम आनी नहीं आएगी बराबर। आप देख सकते हो हम इसको भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा गम है उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि नया गम भी तो लगाना है ना। जहाँ जहाँ ज़्यादा गम होगा उसको रिमूव कर देंगे, जहाँ कम होगा उसको लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा लगाना होगा क्योंकि बॉर्डर पे जो होता है वो गम का जो मात्रा होती है वो बहुत ना के बराबर होती है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का गम हमें लगा ही होता है और ये ऐसे ही हम इंस्टॉल कर रहे हैं कि भाई एक्सटर्नल गम लगाना ना पड़े। ओके, ऑलरेडी इसमें गम लगा ही हुआ होता है ना कि हमको लगाना पड़ता है, लेकिन कंपनी की फॉर्मेलिटी क्या होती है, जो उसका गम होता है वो वन टाइम यूज़ होता है, दोबारा यूज़ करने में वो परफेक्टली फिटिंग नहीं होता है, इसलिए हमें ये काम करना ही पड़ता है बराबर। आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है। ओके, पैटर्न जैसे कि आप देख रहे हो क्लियरिटी क्वालिटी किस टाइप की है और अच्छे से रिस्पॉन्स है, बहुत ही ज़ोरदार किस्म की क्वालिटी है, और टाइप में भी देखिए कोई दिक्कतें नहीं आती है, वन टाइम वन पासवर्ड और वो एकदम कम्प्लीटली वर्क कर रही है। ओके, जैसे आप देख रहे हो वन क्लिक में अच्छा नहीं स्लाइड हो रहा है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।